अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर सना नज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। जब भी हमारे पास IVF के कपल आता है, हम उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हम क्यों करवाते हैं? हम चाहते हैं कि आपका IVF करें बेस्ट पॉसिबल हेल्थ में, ताकि हमें सक्सेस रेट और कामयाबी की शराब बेबी होने की बढ़ सके। अब वो क्या टेस्ट होते हैं? उसमें कुछ हार्मोनल टेस्ट हैं फीमेल के, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, TSH, AMH, विटामिन डी। इसी तरह कुछ और टेस्ट होते हैं जो आपकी जनरल हेल्थ के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल CBC। और भी कुछ टेस्ट हैं जो हम आपकी हिस्ट्री देखते हुए आपको एडवाइस करते हैं। मेल के लिए भी इसी तरीके किससे कुछ हम टेस्ट करवाते हैं, उसमें वायरल मार्कर भी करवाते हैं, ताकि देख सकें कि कोई भी इन्फेक्शन आपसे आपके बेबी में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो मेरा मैसेज ये है कि जो भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, वो एटलीस्ट 1 to 2 months बिफोर IVF आप लें, उन्हें करवाएँ और उनके रिज़ल्ट हमसे शेयर करें। क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स ज़्यादा हैं या कम हैं आपकी बॉडी में, तो हमें उन्हें बैलेंस करना होता है। तो बेहतर ये है कि आप 2 months पहले करें, ताकि हम आपको कुछ मेडिसिन दे सकें और आपको उनका ट्रीटमेंट दे सकें, ताकि आपके IVF के सक्सेस रेट बढ़ सकें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सना नज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हम कौन से सप्लीमेंट देते हैं IVF से पहले, ताकि IVF का सक्सेस रेट बढ़ सके। स्पेशली IVF में जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं, वो एग और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें अगर आप जर्नल कहें, तो हम वाइटामिन सी, ई, फॉलिक एसिड, सम हाउ कभी किसी को ओमेगा 3 फैटी एसिड डिज़ीज़ को देख के दे सकते हैं। इस तरह विटामिन डी भी देते हैं। बट सप्लीमेंट देते हुए हम किन बातों का ख्याल रखते हैं, स्पेशली एज क्या है, ज़्यादा है, कम है, वज़न ज़्यादा है, कम है, और कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल PCO है, एंडोमेट्रोसिस है, डायबिटीज़ है। तो सप्लीमेंट हम अकॉर्डिंगली आपकी हिस्ट्री से देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ सप्लीमेंट देते हैं। और डेफिनेटली उनका रोल क्या है, ताकि आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। बॉटम लाइन, आपने लेने कितने टाइम के लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका IVF 2 months बाद है, तो एटलीस्ट आप लें 2 months बिफोर। यानी कि इनका लेने का फ़ायदा ही तब होगा जब आपकी बॉडी में कुछ अर्से के लिए जाएंगे। तो मेरी एडवाइस है कि आप तकरीबन ऑलमोस्ट 2 months ये लें और फिर आप IVF पे जाएं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सना नज़ीर। इस वीडियो में मैं तमाम IVF कपल्स के लिए डाइट बता रही हूँ कि उन्हें क्या लेना चाहिए बिफोर IVF, ताकि उनके IVF के सक्सेस रेट बढ़ सके। स्टडीज़ शो करती हैं जी, मेडिटेरियन डाइट इज़ वेरी गुड फॉर द इनफर्टाइल कपल। मेडिटेरियन डाइट क्या है, हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेरियन डाइट कहती हैं कि जी आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल मैक्सिमम लेने हैं, ताकि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हों, विटामिन सी, ई और बहुत सारे विटामिन, जो कि आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। इसी तरह आपने जो फैट्स लेने हैं, चिकनाई लेनी है, वो हेल्दी लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलिव ऑयल का यूज़ आपने करना है, और फिश आप ले सकते हैं। इसी तरह आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है हेल्दी प्रोटीन लेनी है, जिसमें फ़िश है, दालें हैं, उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी आपने हेल्दी लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट हेल्दी क्या होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो मेन चने ले सकते हैं ब्राउन, इसी तरीके से आप चक्की का आटा यूज़ कर सकते हैं, जौ का दलिया यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो रिजल्ट्स हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट में जैसे योगर्ट है, वो आप ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, ताकि आपकी विटामिन डी की आप में कमी ना हो। अब आपने क्या नहीं लेना, सब जंक फूड, क्योंकि उसमें मैदा होता है, प्रोसेस फूड होती है, जो कि इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है। तो आपने जंक फूड नहीं लेनी, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक सब, और जो आपकी बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं वो सब नहीं लेने। इसी तरह से ऑयली और स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा ना लें। इसके अलावा आपने लाइफस्टाइल में जो इम्प्रूवमेंट लानी है, वो आपने 40 मिनट्स तक की वॉक करनी है। इसका बिल्कुल ये नहीं है कि आप ज़्यादा वेट के हैं या कम वेट के हैं। वट एवर इज़ योर वेट, आपने ये करना है, क्योंकि इससे जो आपके जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, वो प्राइवेट पार्ट को अच्छी होती है, और हमें IVF के अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इसी तरीके से 8 से 9
ग्लास आपने पानी के पीने हैं और रात को जल्दी सोना है और 8 से 10 घंटे सोएं ताकि आपका एक बॉडी में हार्मोन मेलाटोनिन है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जो कि आपकी जो सक्सेस रेट को बढ़ा सके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सना नज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब आपका IVF स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। प्रोटोकॉल या तो आपके पीरियड्स के 2nd-3rd डे से हम आपको इंजेक्शन देते हैं या फिर 21 डे ऑफ योर साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको इंजेक्शन जो भी जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका टाइम। आपने वो टाइम जो है वो राइट टाइम पे लेना है, यानी अब एक जो इंजेक्शन डेली लग रहा है उसे उसी टाइम पे लगना चाहिए। सेकेंड डे के आपके जो इंजेक्शंस होते हैं 2nd-3rd डे पे जो स्टार्ट करते हैं वो हमारे सेंटर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पे ही लगेंगे, क्योंकि उनकी टेक्निक होती है उन्हें कैसे लगना है। और स्पेशली उन इंजेक्शन लगने के बाद आपके कुछ फ्रीक्वेंट स्कैन होंगे ताकि हम देख सकें कि जो आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्स आ रहा है इंजेक्शन से वो कैसा आ रहा है। इसके अलावा आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी होंगे जो ये शो करेंगे कि आपकी बॉडी में अंडे का साइज़ अच्छा बन रहा है, अच्छे अंडे बन रहे हैं या नहीं। सो ये आपने 3 चीज़ें जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप आएंगे तो ये 3 चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप IVF के दौरान कोई भी हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं तो फॉर टाइम बीइंग उन्हें स्टॉप कर दें, क्योंकि जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो के या जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो उनका अफेक्ट कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, जिसका नुकसान आपको हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सना नज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पिकअप वाले डे, यानी एग रिट्रीवल वाले डे आपने क्या करना है और आफ्टर डैट आपने किस तरह की केयर करनी है और आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पिकअप वाले दिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पिकअप वाला दिन कौन सा है, जब आपके एग जो होते हैं, जो फॉलिकल होते हैं, वो एक ख़ास तनासुब से बढ़ के आइडियल साइज़ के हो जाते हैं तो हम आपकी बॉडी से वो निकाल रहे होते हैं, उसे हम एग पिकअप कहते हैं। इसे करने की हम करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में आपको लाइट सा बेहोश करके ताकि आपको पेन ना हो। तो आपने डॉक्टर को, अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो तो आपने ज़रूर इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा अगर आपको स्पेशली अगर आपने ये प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो आपने 6 घंटे फास्टिंग करनी है, यानी आपने कुछ भी नहीं खाना और आपको जो भी एंटीबायोटिक या दवाइयाँ एडवाइस की जाती हैं वो आपने लेनी है। इसके बाद जब आपका प्रोसीजर हो जाता है तो आप जब होश में आते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, थोड़ी सी पेन हो, तो डोंट वरी अबाउट डैट, आपने डॉक्टर को बताना है, वो आपको पेन किलर में दे देंगे। अगर इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी तो वो आपको लगा देंगे। इसके अलावा घर जाके भी अगर आपको पेन होती है तो आप सिंपल पैनाडोल ले सकती हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपकी पेन उससे कंट्रोल ना हो रही हो तो आपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पर रजू करना है और अपने लिए एडवाइस लेनी है कि आपको फर्दर मेडिसिन की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि जो भी मेडिसिन आपको हम पिकअप के बाद देते हैं उससे कभी कभार जो इंटेस्टाइन जो आंतें होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। देखा गया है जौ का दलिया बहुत बेहतर रहता है, इस्बगोल का छिलका बहुत बेहतर रहता है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल मेडिसिंस हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए। तो आप जर्नली ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्बगोल का छिलका, जौ का दलिया, अगर इससे आराम नहीं आता तो आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको एडवाइस की जाएंगी कुछ टैबलेट और जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा देखा गया है कि जब हम पिकअप के बाद बेबी बनते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल फ्रीज पे चले जाते हैं, सारे के सारे बेबीज फ्रीज कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको जब पीरियड्स आते हैं वो नेचुरल पीरियड्स नहीं होते, वो आपको इंजेक्शन उससे पहले लगे होते हैं तो वो हैवी हो सकते हैं। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, अगर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं तो आपने कांटेक्ट करना है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पे। तो ये छोटी सी मालूमात है, होपफुली आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सना नज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा
स्टेप है IVF का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र केयर। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, स्पेशली आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो आपने क्या करना है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 24 to 48 hours रेस्ट करना है, और अगर उस टाइम में अगर आपको कोई वाटर डिस्चार्ज होता है और स्पॉटिंग होती है तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, परेशानी होना। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो एम्ब्रियो रखते हैं वो एक टाइनी एक मल्टीमीडिया का एक जो कल्चर होता है उसमें रखा जाता है, और वो आपके यूट्रस के अंदर रखा जाता है। जो आपको वाटर डिस्चार्ज होता है वो जस्ट बच्चे दाने के मुंह को जब हम साफ़ करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वक्त वो हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपको स्पॉटिंग भी है तो स्पॉटिंग कभी कभार हो जाती है, स्पेशली अगर बच्चे दाने की पोजीशन पीछे की तरफ हो या फिर पहले ऑपरेशन हुए हो, तो उसके लिए भी आपने परेशानी होना। हाँ, अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है तो आपने फ़ौरन ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से कांटेक्ट करना है। इसके अलावा आपने हाइड्रेट लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जो जो मेडिसिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दी हैं वो आपने ज़रूर लेनी है, क्योंकि वो यूटरस को रिलैक्स करने के लिए होती हैं और सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं, और जो जो आपको एडवाइस की जाती हैं वो भी आपने फॉलो करनी है। अब आपने क्या नहीं करना, सबसे पहले तो आपने हॉट बाथ नहीं लेने, क्योंकि गर्म पानी से बाथ लेने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जिसका अफेक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और प्रेगनेंसी पे आ सकता है। सेकंड, आपने स्पाइसी फूड, जो ऑयली फूड है, या फिर आपने आउटसोर्स फूड, बाहर की फूड नहीं लेनी ताकि आपका पेट ख़राब ना हो। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी वेट नहीं उठाने, और स्पेशली इसके अलावा आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इस टाइम पर आपने पॉजिटिव रहना है। जितना हमने देखा है हमारे पेशेंट पॉजिटिव रहते हैं, उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। और एट द एंड आपने बिलीव इन गॉड, अल्लाह पे यकीन रखना है, अपने प्रोसीजर पे नहीं रखना। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल द कपल जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है हमारे सेंटर से, और अल्लाह ताला आपको औलाद से जल्द नवाजे। थैंक यू।